Hello, what's up, people? Welcome back to my channel. I hope you are doing great. I am Pragati. So, guys, I wish you all a very happy Republic Day. मेरी ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. सो गाइज, जैसे कि आज हमारे लिए दिन खास है, सो आज की वीडियो भी खास होनी चाहिए. सो आज का जो वीडियो है, आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने वाली हूँ, वो है एडल्फी मोशन पिक्चर्स का एक वीडियो जिसका नाम है व्हाई इज़ इंडिया ग्रेट. सो चलो यार, मिलकर देखते हैं साथ में कैसा वीडियो है. और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. Make sure to subscribe and press the bell icon to never miss any update from Adelphi Motion Pictures. भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why? Why is India great? Because India has the world's second largest population, 1.3 billion, but poverty is a significant issue of this country. यह हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यूज, नेपोटिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, डीमोनेटाइजेशन, राइट? नो, नहीं. यहां टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, लेकिन हर एक भारतीय के खून में देश का नमक जरूर होता है. कपड़े और कार तो बात की बातें हैं, यहां सोच ब्रांडेड होती है. नल में पानी भले थोड़ा लेट आए, लेकिन चांद में पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने ही डिटेक्ट किया था. And ISRO successfully launched 104 satellites. It is the largest number of satellites launched on a single flight by any space agency in the world. Aur India mein khel sirf khel nahi hota, religion hota, junoon hota, pagalpan hota. Khelon ke world records to yahan hai hi, aur in khelon ke major aur bhagwan bhi yahi hain. Saath hi kabaddi, snooker, shatranj, ludo और सांप सीढ़ी जैसे खेलों का जन्म भी भारत में हुआ है. भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा. Exactly. क्योंकि जितने फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं, शायद ही किसी और देश में मनाए जाते हों. अनेकता में एकता की झलक दिखाते ये त्योहार देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं. और इंडिया वालों की बातों में जो बात है, उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश करना, और अगर कोई बात समझ में ना आए, देन दैट्स योर फॉल्ट. क्योंकि भाषाओं के मामले में भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली देश है. यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं. और तो और, इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है. कुछ भाषाएं बड़ी तीखी हैं तो कुछ बड़ी मीठी. वैसे मीठी से याद आया कि शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन इंडिया, और 2013 के बाद से इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है. ये तो थी शक्कर और दूध की बात, और इन दोनों के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ के बीच में यहाँ सी फॉर चाय होता है. और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस भी इंडिया में हैं. इंडियन क्यूजींस और यहाँ के मसालों की वाइड वैरायटी ने दुनिया को चटपटेपन का जायका दिया है. क्योंकि यहाँ पर सही में आ रही बात है, लेकिन वड़ा पाव एक इमोशन के मसालों की बात है. दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है. हमारी बातें सुनकर अब आप सबको इंडियन फूड की वैल्यू तो समझ में आ ही गई होगी, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14159 होती है. ये पूरी दुनिया में सबसे पहले आचार्य बुद्ध्याना ने कैलकुलेट किया था, वो भी 6th सेंचुरी में. और वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 BC में इंडिया में थी, जिसमें 10,500 से ज्यादा लोग 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे. नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डेसिमल सिस्टम और भी बहुत कुछ, ये सब इस दुनिया में सबसे पहले भारत ने इजाद किया. आयुर्वेद वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है. भास्कराचार्य ने सबसे पहले ये गणना की थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है. सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने आज से 2600 साल पहले अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर और इवन ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे. ये तो थी पुरानी बातें. आज की बात करें तो भारत की शकुंतला देवी ने इस फिगर को 28 सेकंड में कैलकुलेट करके वर्ल्ड के ह्यूमन कैलकुलेटर की उपाधि हासिल की है. और ये किस्सा नहीं, कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है. सोनी की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश 17th सेंचुरी में वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था. 1896 से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायमंड का इकलौता सोर्स था. दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति भी भारतीय हैं. एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ.
यहाँ सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल है, क्योंकि इस प्लेनेट में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है और वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट एक्टर भी इंडियन है। नाम तो सुना ही होगा। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज चैनल इन दी वर्ल्ड। एक आम भारतीय नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज ऑन एन एवरेज 3 दिन में देख लेता है, जो कि नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के अनुसार सबसे तेज है। एंड इंडिया हैज फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम मार्केट इन दी वर्ल्ड। इंडिया से सस्ता 4G नेटवर्क दुनिया की किसी और कंट्री के पास है ही नहीं। का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल हमारे पास है। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जिसने 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत आज चांद तक पहुंच गया, लेकिन कुछ भारतीयों को शौचालयों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट, योग, ये सब हमारी सभ्यता की देन है। जीरो से लेकर USB को बनाने वाला भी एक भारतीय ही था। टॉयलेट फ्लश की टेक्निक और शैम्पू से लेकर कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक, सी शेल से बनी शर्ट की बटन, ये सब कुछ उस देश की देन है, जहां आहार में तो कमी हो सकती है लेकिन संस्कारों में कमी नहीं होती। जहां 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, जो किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज तो क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहाँ एक चाय बेचने वाला इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहाँ देश को देश नहीं माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज है जो भारत को एक महान देश बनाती है। दैट्स व्हाई इंडिया इज ग्रेट नेशन। और अगर आपका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। वंदे मातरम। रियली गाइज, आई एम सो मच प्राउड टू बी एन इंडियन। मतलब दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इस देश में पैदा हुई हूँ। मतलब जैसे जैसे मैं वीडियो देख रही थी और इतनी सारी चीज़ें जानने को मिली, इतने महान लोग हमारे देश में पैदा हुए हैं। मतलब आज की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, भले ही वो एग्रीकल्चर हो, भले ही वो टेक्नोलॉजी हो, स्पोर्ट्स हो, मतलब हर एक चीज़ में इंडिया बाकी देशों को टक्कर देता है। इंडिया हमारा इतना डेवलप हो चुका है, इतने महान लोगों ने यहाँ पे जन्म लिया है, इतने महान काम हमारे देश में हुए हैं। और अगर मैं बात करूँ ज़ीरो की खोज आर्य भट्टाचार्य जी ने इतने साल पहले कर दी थी, मतलब हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं उन सब की बातें, और लाइक यार इतने साल पहले उन्होंने इस चीज़ की खोज कर दी थी। उसके बिना लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, मतलब जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था उनका यूज़ करना। और आज हमारी लाइफ उनकी वजह से इतनी ईजी हो गई है। और यार अगर मैं बात करूँ स्पेस सेंटर की, सो मतलब एक टाइम ऐसा था हमारे देश में कि जो स्पेस सेंटर के इक्विपमेंट्स थे उनको साइकिल पे ले जाया जाता था, लेकिन वहीं आज की बात करूँ सो हमारे देश में 105 सैटेलाइट्स एक साथ एक झटके में स्पेस में छोड़ी गई। सो मतलब ये इतने प्राउड की बात है, मतलब हमारा देश इतना कहाँ से कहाँ पहुँचा है, हमारा देश इतना ग्रो किया है। मेडिकल की बात करूँ तो सर्जरी की खोज 3600 साल पहले कर दी गई थी। इमेजिन करो यार 3600 साल पहले, मतलब हम इमेजिन कर ही नहीं सकते, इतने साल पुरानी बात है ये। मेडिकल में हमारा देश इतना आगे रहा है, और आई रियली मीन इट, मतलब हमारा देश कितना ज़्यादा महान है। मैं सबको शुक्रिया करना चाहूँगी जितने महान लोग हमारे देश में हुए हैं, जिनकी वजह से जो हमारी लाइफ है आज बहुत इजी हो गई है, हमारा जो लाइफस्टाइल है इतना हम जी रहे हैं उन सब की वजह से। और एंड पर वीडियो में कुछ लाइंस बोली गई जिनको सुनकर मुझे गूज़बम्स आ गए लिटरली गाइज। मतलब हमारा एक लोता ऐसा देश है जिसको माँ के नाम से बोला जाता है, माँ के समान माना जाता है। सो लिटरली हमारा जो देश है हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे जानवरों को इतना प्यार किया जाता है, गाय को माता माना जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम बोलने बैठे तो मतलब कितने दिन निकल जाएंगे, बहुत लंबी कहानी हमारे देश की, हिस्ट्री इतनी पुरानी है हमारे देश की। आई लव माई कंट्री, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, और मुझे ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, इट रियली टच्ड माई हार्ट। आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है सो प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, उसकी जो डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी। सो चलो यार वीडियो को एंड करती हूँ, वंस अगेन आपको हैप्पी रिपब्लिक डे। सो वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।